alaykum, peace be unto you. Wa alaykum salam, peace be to you too. Alhamdulillah Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وقال عليه الصلاة والسلام فليبلغ الشاهد الغائب أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. पिछले जुमा सऊदी गवर्नमेंट ने जो एक ऑर्डर जारी किया था और अत्तहज़ीर मिन जमाअति तबलीग के नाम से तमाम अइम्मा को गवर्नमेंट ने खुतबा देने का हुक्म दिया था और सऊदी में आसपास के कंट्री और देश में तकरीबन हर जगह इसी टॉपिक पर पिछले जुमा खुतबा इमामों ने दिया कि ये जो तबलीगी जमात है ये सही नहीं, इसमें ये खराबी है, इससे बचना चाहिए और अपने मुल्क में यानी सऊदी के अंदर और आसपास के जो कंट्री है गोया के इस जमात पर पहले से जो बैंड और पाबंदी लगी हुई थी उसको और भी मजबूत और पक्का किया। बाद में पेपर में अगरचे ये आया कि ये जो दिल्ली मरकज़ निज़ामुद्दीन की जो जमात वाला काम है यानी हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जिस काम को शुरू किया और पूरी दुनिया में जो ये काम चल रहा है इस काम के बारे में वहाँ ऑर्डर नहीं दिया गया था बल्कि साउथ अफ्रीका में अल अहबाब करके जमातुल अहबाब करके कुछ लोग दावत और तबलीग का काम करते हैं लेकिन उनका मिशन और उनका मकसद दूसरा होता है, उससे मना किया गया। लेकिन जिन लोगों ने पेपर को पढ़ा और इसी तरह से सोशल मीडिया को देखा, अपने बुज़ुर्गों के अकाबरीन के पैगाम को मैसेज को सुना उनको ये महसूस हुआ होगा कि ये झूठ है, इसलिए कि सऊदी में जो खुतबा दिया गया जुमे को, कई एक खुतबा तो मैंने भी सुना, वहाँ जो उर्दू में जो लोग काम करते हैं और इधर उधर तकरीर और बयान करते रहते हैं उनका बयान भी मैंने सुना। वो साफ कहते हैं कि वो जमात तबलीग जिसकी बुनियाद इंडिया में हुई और दिल्ली में उसका एक मरकज़ है और वो लोग फ़ज़ाइल आमाल की तालीम करते हैं वगैरह वगैरह, इसलिए हकीकत में जो बैंड किया गया या जिस जमात से बचने के लिए सऊदी गवर्नमेंट ने लोगों से अपील और दरख्वास्त की, इमामों ने खुतबा में जिसको पेश किया, सही माने में वो तबलीगी जमात ही है जो हमारे और आपके यहाँ तकरीबन हर मस्जिद में महल्ले के साथी करते हैं।
अगर ऐसा ना होता तो हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब सदर जमीयत उलमा हिंद दामत बरकातुहु उस्ताद हदीस दारुल देवबंद, वो सऊदी के सफीर से वहाँ का जो दूत है इंडिया में, वहाँ के जो सफीर है उनसे जाकर उनको लेटर ना लिखते। इसी तरीके से हजरत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब दामत बरकातुहु, उन्होंने आज के जुमे के लिए बाज़ाब्ता एक अपील किया है तमाम मस्जिदों के इमामों से, खतीब से जो तकरीर करते हैं उनसे, कि आज के जुमा में ख़ास तौर पे दावत और तबलीग की अहमियत, उसकी फजीलत, उसकी ज़रूरत और उसका फ़ायदा इस टॉपिक पर लोगों को बतलाया जाए। इसी तरह से हजरत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब दामत बरकातुहु ने बाज़ाब्ता ये प्रेस रिलीज में कहा कि मदरसे में जो उलमा या मस्जिद के जो इमाम मुअज्जिन ख़ास तौर पे दावत और तबलीग के काम से जुड़े हुए नहीं हैं, मैं पूरी जमीयत की तरफ से उन लोगों से अपील और रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो दावत और तबलीग का काम ज़ोर शोर से करें, इसलिए कि इंसानों की इस्लाह के लिए, मुसलमानों को सही रास्ते पर लाने के लिए और गंदे कामों से नजात दिलाने के लिए इस वक्त दुनिया में सबसे अच्छा जो काम और अच्छी लाइन है वो तबलीग का काम और तबलीग की लाइन है। मेरे भाई बुजुर्गों और दोस्तों, पिछले जुमा मैंने डिटेल से बताया था कि सऊदी दावत तबलीग के काम पर बैंड और पाबंदी लगा रहा है और वहाँ क्या क्या काम हो, वहाँ के हुक्मरान, वहाँ के जो राजा महाराजा कहिए, वो क्या शुरू कर रहे हैं और क्या क्या काम वहाँ हो रहा है। पिछले जुमा को एक तरफ मस्जिदों में ये खुतबा देने का ऑर्डर दिया कि दावत और तबलीग के काम से लोगों को रोको, मना करो, और उसी जुमे की रात में रियाद के अंदर रियाद सीजन के नाम से हमारे इंडिया के बड़े बड़े एक्टर्स, हीरो और लेडीज जेंट्स सब लोग वहाँ पहुँचे, बहुत सारे लोग वहाँ पहुँचे और उन्होंने वहाँ जाकर एक फिल्म उलम कोई नाम होगा उसका और दूसरे फिल्मों का वहाँ पर अपना गोया कि कर्तव्य दिखलाया, डांस किया। मर्द, औरत, लड़के, लड़कियाँ, सऊदी के लोग उस डांस में शरीक हो रहे हैं, करोड़ों डॉलर उस पर खर्च कर रहे हैं जो सरासर गुनाह का काम है और दावत और तबलीग के काम से लोगों को रोक रहा है। ये बड़े अफसोस की बात है। हजरत मौलाना सज्जाद मोमानी साहब दामत बरकातुहु फरमाते हैं, बल्कि हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह आज से तकरीबन 50-60 साल पहले, मुझे जहाँ तक याद आता है 1950 में, 1950 के अंदर जब वो सऊदी गए थे तो वहाँ से उन्होंने अपने भाई को लेटर लिखा था, खत लिखा था और बहुत चिंता और अफसोस की बात उन्होंने लिखी थी। पूरे को बयान करना मुश्किल और ये वक्त नहीं, लेकिन उसमें उन्होंने इतना ज़रूर लिखा था कि पूरी दुनिया का क़िबला, पूरी दुनिया का काबा मक्कतुल मुकर्रमा है, पूरी दुनिया का क़िबला काबा शरीफ है और इन लोगों का क़िबला अमरीका है। यही लफ्ज़ था, हम और आप फॉलो करते हैं वहाँ की गवर्नमेंट को, या हम और आप नमाज पढ़ते हैं मक्के की तरफ, खाने काबा की तरफ रुक करके जो भी काम करते हैं तो पहले ये देखते हैं कि वो लोग इस काम के बारे में क्या कहते हैं। लेकिन उनका हाल ये हो गया है कि वो वही काम करता है जिसका ऑर्डर उसके काबा और उसके किबला यानी अमरीका से आता है। अल्लाह ही बेहतर जाने दावत और तबलीग के काम पर, चूंकि पूरी दुनिया की नज़र है और सही माने में
शराब पीने वाले नौजवानों को, जुआ खेलने वाले नौजवानों को, चोर डकैत और सिंगर को, डांस करने वाले को अगर सही माने में सही रास्ते पर किसी जमात ने लाया, किसी जमात के साथियों ने अगर उसको सही रास्ता दिखलाया, तो वो सिर्फ और सिर्फ दावत और तबलीग का काम, दावत और तबलीग के साथी है। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में दावत और तबलीग के काम करने वालों की फजीलत को बयान किया और खुद अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमन अहसन कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह। दुनिया में सबसे अच्छी बात उस शख्स की है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, जो लोगों को दीन की दावत देता है। दीन की दावत देने के लिए जो बात जबान से निकलती है, जो कलाम मुंह से निकलता है, दुनिया में सबसे कीमती, सबसे अच्छी बात और सबसे अच्छा कलाम वही होगा। वमन अहसन कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिला सालिहा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह भी फरमाया कि जो दावत का काम करे, जो तबलीग का काम करे, वो खुद अमले सालिह यानी नेकी का काम करे, वो खुद नमाजी हो, वो खुद रोजा रखने वाला हो, वो खुद दीन पर चलने वाला हो। अगर खुद दीन पर चलेगा और लोगों को दीन की दावत देगा तो उसकी बात अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ी कीमती बात होगी, उसकी बात अल्लाह के यहाँ सबसे अच्छी बात होगी। وقال انني من المسلمين اور اپنے مسلمان ہونے پر ان کو فخر ہو یعنی گرو کے ساتھ وہ کرتا ہو کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھ کو مسلمان بنایا, اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھ کو ایمان کی دولت دی۔ میرے بھائیو ذرا دعوت تبلیغ کے کام کو اور دعوت تبلیغ کے کام کرنے والوں کو ہم اور آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کیسے رہتے ہیں, کیا کرتے ہیں۔ جب ٹرین میں سفر کریں گے ہو سکتا ہے آپ کو کچھ عالم علماء بھی مل جائے جن کا دعوت اور تبلیغ سے تعلق نہیں ہے۔ نماز کا وقت آتا ہے, بہت مرتبہ عالم ہونے کے باوجود وہ ٹرین میں سفر کے دوران نماز نہیں پڑھتا ہے, چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن دعوت اور تبلیغ کے ساتھیوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ صرف 3 دن اگر جماعت میں لگا لیا, صرف 1 چلہ اگر جماعت میں لگا لیا, آج تک کبھی اس نے قرآن نہیں پڑھا تھا, آج تک کبھی اس نے دین کا کوئی کام نہیں کیا تھا, کسی ساتھی کی محنت پر, کسی بھائی کی محنت پر اگر وہ 3 دن جماعت میں وقت لگا لیتا ہے, کسی طرح سے 1 چلہ اگر جماعت میں لگا لیتا ہے, تو وہ سفر کے دوران ٹرین میں سفر کرنے والا وہ یا تو ٹرین کے اوپر یا گاڑی رکنے کے بعد پلیٹ فارم پر اتر کر کسی کا ڈر نہیں, کسی کا خوف نہیں, صرف اور صرف اللہ کے لیے وہ نماز ضرور پڑھتا ہے۔ یہ حالت کہاں سے بدلی؟ کتنے واقعات ہم میں آپ کو سنا سکتا ہوں۔ جو بڑے دعوت کے کام کرنے والے ہیں وہ تو روزانہ دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بڑے بزرگ نے بتلایا کہ ایک جماعت, بڑے علماء کی, بڑے اچھے لوگوں کی ایک جماعت دلی مرکز نظام الدین کے, اس میں عالم ایک بزرگ بھی تھے, وہ سلی گوڑی کی طرف ان کی جماعت آئی تھی۔ وہاں سے واپس ان کو جانا تھا تو مقامی لوگوں نے بتلایا کہ یہاں ایک گاؤں کے اندر ایک چودھری صاحب ہے, اللہ نے بہت مال دولت دیا ہے, اگر وہ چودھری صاحب نمازی بن جائے, اگر وہ چودھری صاحب نماز میں آنے لگے تو پورے گاؤں کے لوگ ان کو دیکھ کر نماز میں آئیں گے۔ مولانا نے, جو امیر صاحب تھے, انہوں نے کہا چلو بھائی چلتے ہیں ان کے یہاں, کیا لگا ہے, دین کی دعوت دینے کے لیے جانا ہے, اپنا خرچ, اپنی محنت, اپنا پیسہ, سب کچھ, ہم کو تو دعوت دینا ہے۔ وہ گئے چودھری صاحب سے بالکل پوزیٹو اور مثبت انداز میں دین کی بات کی۔ چودھری صاحب نے کہا کہ جناب انشاءاللہ میں تو نماز میں جاؤں گا, نماز پڑھوں گا, لیکن مجھے فکر ہے اپنے لڑکے کی, اپنے بچے کی فکر ہے, اور وہ فکر یہ ہے کہ میرا یہ بچہ ہے, ایک ہی لڑکا ہے,
और करोड़ों की संपत्ति और दौलत है मेरे पास, प्रॉपर्टी है, लेकिन मेरा ये लड़का बिगड़ गया है, ये कभी अल्लाह का नाम तक नहीं लेता, कुरान की तिलावत नहीं करता और रात दिन गलत काम, गुनाहों के काम में पड़ा रहता है। मौलाना साहब, जिंदगी भर मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा, आपका शुक्रिया अदा करूंगा अगर आप मेरे बच्चे को किसी तरह से सुधार दें। बच्चा अगर सुधर जाएगा तो मेरी बदनामी भी खत्म हो जाएगी और मेरी प्रॉपर्टी, मेरी दौलत मेरे मरने के बाद कम से कम ये सही इस्तेमाल कर पाएगा। तो मौलाना ने कहा कोई बात नहीं, बच्चे से मिलवाइए। नौजवान लड़का था, जाकर उनसे मिले, बातचीत की, और वो शरई लिबास भी नहीं, थ्री क्वार्टर वो पैंट पहने हुआ था, टी शर्ट लगाए हुए था। मौलाना ने उनसे ये नहीं कहा कि तुमको जमात में जाना है। मौलाना ने कहा कि तुमने दिल्ली का नाम सुना? हाँ, दिल्ली का नाम सुना। दिल्ली में क्या किया है बोलो तो? एक दो चीज बतलाया। मौलाना का देखो, वहाँ ताजमहल है, वहाँ लाल किला है, वहाँ कुतुब मीनार है, वहाँ ये है, वहाँ वो है। तुम नौजवान हो, क्या तुम इन चीजों को देखना नहीं चाहते हो? उस नौजवान ने कहा जी हुजूर, हम तो देखना चाहते हैं, कोई लेके नहीं जाता, मैं कभी गया नहीं। चलो मेरे साथ, मैं तुमको लाल किला घुमाऊंगा, कुतुब मीनार घुमाऊंगा, ये घुमाऊंगा, वो घुमाऊंगा। ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन हुजूर आप लोग तो जमात वाले हैं, हम आपके साथ जाएंगे तो आप हमको नमाज पढ़ने के लिए कहिएगा, मुझको नमाज पढ़ने के लिए कहेंगे तो मैं वापस आ जाऊंगा। मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, बिल्कुल मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैं दिल्ली लाल किला और ये वो घूमने के लिए जा रहा हूँ। मौलाना ने कहा कि बाबा तुमको कोई नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहेगा, चलो तो मेरे साथ। अब NGP न्यू जलपाईगुड़ी से बरौनी मुश्किल से 6-7 घंटे का सफर है ट्रेन में, 6-7 घंटे का। वहां से वो लोग बैठे, दावत और तबलीग के साथी जब सफर करते हैं तो दुनिया की बात नहीं, मोबाइल नहीं, व्हाट्सएप नहीं, ये नहीं, वो नहीं, बल्कि वो क्या करेंगे कि भाई एक साथ बैठ जाओ, तालीम होगी, मुजाकरा होगा, दीन की बातें होगी, आपस में वही बात, वही मुजाकरा, वही तालीम, वही हदीस, ये सब पढ़ते पढ़ाते सुनते सुनाते सफर कर रहे थे। वो बच्चा अपनी दुनिया में मगन मस्त था, कभी इधर कभी उधर देखता है, कभी कुछ बेचने के लिए आता वो खाता है। जब ट्रेन बरौनी में जाकर रुकी, पहले जो बरौनी का स्टेशन था वो जैसे आजकल सिलचर जो लोग गए हैं तो बदरपुर गाड़ी जाती है या लैंडिंग गाड़ी आती है, तो इधर से लैंडिंग गई, फिर उधर का इंजन इधर लाके लगा के और फिर इधर बदरपुर जाती है गाड़ी, तो वहां कम से कम 15-20 मिनट लग जाते हैं। दावत तबलीग के साथियों ने कहा कि यहाँ कम से कम 10-15 मिनट गाड़ी रुकेगी, हम लोग उतर कर अपनी नमाज पढ़ लेते हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, बड़े बुजुर्ग का बताया हुआ ये वाकया, कहा कि वो लोग नमाज पढ़ने के लिए प्लेटफार्म पर गए, अपनी चादर अपना मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ने लगे। वो जो नौजवान लड़का था वो पाक था नापाक था वो कुछ जानता भी नहीं था, बेवजू था, थ्री क्वार्टर पैंट है, टी शर्ट लगा हुआ है, वो खिड़की से देख रहा है, कह रहे ये लोग कितने अच्छे लोग हैं कि देखो सफर कर रहे हैं और दीन का काम करते हुए नमाज का वक्त आ गया तो नमाज पढ़ रहे हैं। उनके दिल के अंदर तो ईमान था ना, ईमान तो जरूर था, तो उस ईमान ने जोश मारा और कहा कि तू कैसा मुसलमान है, वो लोग नमाज पढ़ रहे हैं और तुम यहाँ बैठ कर देख रहे हो। वो उसी हालत में खिड़की से देख रहा था, दरवाजे से निकल कर बाहर आया, वजू भी नहीं, पाक भी नहीं, और उसी हालत में उन लोगों को देख देख के जैसे वो करते थे उठते बैठते थे वैसे ही वो भी करना शुरू कर दिया। कितनी देर की मेहनत है? सिर्फ 6-7 घंटे की मेहनत है। 6-7 घंटे की सोहबत ने इतने बड़े पापी की दुनिया को अगर बदल डाला, आज पूरी दुनिया में नजर उठा कर देखिए कितने बड़े बड़े चोर को, डाकू को, कितने बड़े बड़े पापी, शराबी, कबाबी, जानी को, डकैत को दावत और तबलीग के साथियों ने अल्लाह के फजल से थोड़ी सी मेहनत की और दावत और तबलीग के नतीजे में आज वो सही लाइन पर आया है। जो डकैती करने वाले थे आज वो नमाज जमात के साथ तकबीर-ए-ऊला के साथ पढ़ने वाले।
ये दावत और तबलीग की मेहनत की बरकत है। इसीलिए पूरी दुनिया में जिस कोने पर आप चले जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह दावत और तबलीग का काम हो रहा है। अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह सही समझ दे सऊदी गवर्नमेंट को। उन्होंने किसी से गलत खबर सुन ली और किसी ने उनके कान को भर दिया। खास तौर पे ये अहले हदीस गैर मुकल्लिद सलफी लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से वहां जाकर जो बड़े ओहदों पर पहुंचे हैं, उन्होंने वहां की गवर्नमेंट को और वहां के सरकार में जो लोग बड़े बड़े ओहदे पर हैं, उन लोगों को तबलीगी जमात के बारे में गलत सलत बातें बतलाकर और उनको मजबूर किया, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने पिछले जुमा से पहले ये ऑर्डर दिया कि पूरी दुनिया के मुसलमानों से गोया के हर मस्जिद के खुतबे में इमाम साहब ने ये ऐलान किया कि दावत और तबलीग का काम बैंड नहीं करना है। इससे गुमराही आती है, इससे ये खराबी वो खराबी। मेरे भाइयों, हमको और आपको करने के लिए दो काम। एक काम यह है कि हम और आप अल्लाह से दुआ करें, ऐ अल्लाह उन लोगों को सही समझ दे, ऐ अल्लाह उनकी बदगुमानी को खत्म कर दे। और दूसरा काम जो उससे भी ज्यादा करने के लिए है, पिछले हफ्ता भी मैंने बतलाया था कि इस वक्त अगर वाकयतन मुसलमान इज्जत की जिंदगी चाहता है, वाकयतन इंडिया जैसे मुल्क में अगर इज्जत के साथ रहना चाहता है, तो नंबर एक दावत और तबलीग के काम को मजबूती से पकड़ो। दावत और तबलीग के काम को जो मजबूती से पकड़ेगा उसकी इस्लाह होगी, अच्छे रास्ते पर चलने वाले होंगे, गुनाहों के काम से बचने वाले होंगे, और जब गुनाहों से हमारी और आपकी हिफाजत होगी, अल्लाह ताला ने खुद कुरान में फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ रसूल अल्लाह ने तुम पर जो कुछ उतारा, कुरान, हदीस, फिकह, फतवा, दीन मसाइल, अल्लाह ने जो कुछ भी तुम पर उतारा, ऐ रसूल तुम उसकी तबलीग करो, तुम उसकी तबलीग करो। और अगर तुमने उसकी तबलीग नहीं की तो गोया के रिसालत का, अल्लाह का जो काम और जिम्मेदारी थी, आपने उसको अदा नहीं किया। हो सकता है दावत और तबलीग के काम में आपको डर लगेगा कि हम मुसलमान के यहाँ जाएंगे वो थप्पड़ लगा दे, गाली दे दे। अल्लाह ताला ने वादा किया, वल्लाहु यक्सिमुका मिनन नास, जो दावत और तबलीग का काम करेगा कोई दुश्मन उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चुनांचे आखिरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं दावत और तबलीग का काम करता था, मुझे डर लगता था कोई दुश्मन मेरे साथ दुश्मनी कर ले, कोई नुकसान पहुंचा दे, लेकिन जिस दिन यह आयत नाजिल हुई उससे पहले तक मैं अपने साथ बॉडीगार्ड के तौर पे चंद सहाबा को रखता था। जब यह आयत नाजिल हुई और कहा कि तबलीग का काम करोगे तो हिफाजत अल्लाह करेगा, मैंने अपना बॉडीगार्ड भी हटा दिया और कोई दुश्मन की दुश्मनी का डर खौफ नहीं रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको खूब दावत तबलीग की मेहनत के साथ लगाए, तबलीग का काम करने की तौफीक दे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।